Hanuman ji Dalit jati thi, Sindhu tribe, and his gotra was Tigga. Hanuman ji koi jat nahi, pakhandiyon ki jat hai. 33 crore devta hai. कोई किसी के छिकने से पैदा हो गया, कोई खीर खाने से पैदा हो गया, कोई कैसा पैदा हो गया. हनुमान जी ने फल समझ गया, सूरज को खा लिया, लेकिन विदेशों को पता नहीं चला, इंडिया में अंधेरा ही हो गया. कौन जात हो? आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. मैं दलित हूँ, पक्का जाट हूँ, 24 कैरेट का. जात से क्या मतलब है, इंडियन हूँ. हनुमान जी कौन सी जाति के होंगे? दलित जाति थे, सिंधु ट्राइब. भी योगी जी ने कहा इसीलिए? नहीं, लगभग 20-25 साल पहले ट्रेनिंग मिली थी भारत सरकार की, मैं पढ़ा था. हनुमान जी की जो उत्पत्ति हुई थी बेर से हुई थी. पंडित था क्योंकि वो ज्ञानी था, विद्वान था, पढ़ा लिखा था, वेद का ज्ञान था उसे, इसलिए वो पंडित था. मतलब मुस्लिम लोग ले, दलित लोग या जाट लोग ज्ञानी नहीं होते? तो जाट तो छुटिया वो है, वायु पुत्र कहते हैं उनको. तो ये कौन लोग हैं जो ये हनुमान जी को दलित बताते हैं, फिर मुसलमान बताते हैं, फिर जाट बताते हैं, ठाकुर भी बताते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता. कभी मोदी जी के मुँह से ऐसी बातें सुनी है? नहीं, ये योगी जी तो बोल देते हैं दलित. योगी जी ने ताव में आके बोल दिया होगा. जो प्रभु से हकीकत में ध्यान लगाता है और मन लगाता है, वो कभी प्रभु के बारे में इस तरह की बातें नहीं करेगा. योगी जी लगाते हैं? योगी जी, मैंने क्या कहा, वो राजनीति के ऊपर कोई बात कह गए होंगे. मैं उनकी बातें मैं आपको कैसे बता दूं? सपोर्ट कर रहे हैं आप उन्हें? बिल्कुल करूंगा जी. वही हिंदुत्व बचा सकते हैं, बाकी कोई और नहीं बचा सकता. तो हनुमान जी दलित है? नहीं, बिल्कुल नहीं. मुसलमान है? नहीं है. वो प्रभु है, वो ठाकुर, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है. लेकिन जो जाति जो कह रहे हैं वो बेवकूफ है. एक नेता, उन्होंने कहा है कि हनुमान जी आदिवासी. यस, आई एम टेलिंग, यस ही वाज फ्रॉम आदिवासी. मींस ऐसे लोग जो जंगल में रह रहे हैं. अंडमान से तो नहीं थे? अंडमान निकोबार? नहीं, अंडमान निकोबार एट दैट टाइम नोबडी वाज नोइंग अंडमान निकोबार. इतने योग्य हो गए हैं, भगवानों की जाति का भी पता चल गया. कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे ये नेता लोग? कौन की जातियां? तो ऐसे नेताओं को पता है, जैसे मोदी है या हमारे योगी जी है. हनुमान जी को बुरा तो लगता होगा नहीं, क्या हो बात? बिल्कुल लगता होगा जी, इस तरह की बातें मेरे को बांटा जा रहा है, ये गलत है. हनुमान जी को कोई बुरा नहीं लगता, हंस रहे होंगे उल्टा, हम सब की बेवकूफी होंगे ऊपर. बिल्कुल महसूस तो हो रहा होगा, अब सब आ गया है ना, इनको पटक नहीं देने का. पटक नहीं देने का ना, बुरा लग रहा हो तभी तीन स्टेट हार गए. बिल्कुल पटक नहीं दी जाएगी, भगवान हनुमान जी जरूर सोचेंगे. रामायण के अंदर जामन जी ने उनको शक्ति याद दिलाई थी, लेकिन आजकल के लोग हम जो जाति याद दिला रहे हैं. हाँ, गलत है ये, शक्तियाँ इज इक्वल टू जातियाँ हो गई. आज के जमाने में हनुमान जी को जाति याद दिला रहे हैं. हंसी आती है मुझे. एक बात नहीं पता चल गई कि जातियों तो नहीं है, हनुमान जी टिग्गा गोत्र से भी है. टिग्गा मीन्स बेर. टिग्गा मीन्स बेर. तो बने रहिए शाणपत्ति के साथ. हाँ. एक नाटक है जाति न पूछो साधु की, उसी तरह जाति न पूछो हनुमान जी की. और जिस तरह से चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन जो है ना, थोड़ी सी रीफ्रेम हो सकती है, और वो कुछ इस तरह होगी कि कौन ही जानत है जग में कभी, कौन से जात है तुम्हारो. सॉरी हनुमान जी, माफ कर देना भगवान जी. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय श्री राम.